वार्ड नंबर 18 अंबेडकर कॉलोनी में ना नालियां है ना सड़के, जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रहवासी नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है। 5 सालों में किसी भी प्रकार का विकास यहाँ देखने को नहीं मिला। रविवार को सीटीवी की टीम वार्ड नंबर 18 अंबेडकर कॉलोनी पहुंची, जहां पर लोगों से उनकी समस्याओं को जाना, जहां लोगों ने बताया कि किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। देखिए इस पूरी खबर में। हम जानेंगे आपके वार्ड का हाल, ना हुआ है आपके क्षेत्र का विकास। हर कॉलोनी, हर गली और हर मोहल्ले में पूछेंगे आपकी समस्या, रूबरू होंगे आपसे। सीटीवी आपके द्वार, वार्ड परिक्रमा के साथ। मेरा वार्ड मेरा शहर, मेरा वार्ड मेरा शहर में आज आपसे रूबरू करा रहे हैं नीमच के वार्ड क्रमांक 18 के अंबेडकर कॉलोनी क्षेत्र से। पहले अंबेडकर कॉलोनी एक ही वार्ड का हिस्सा था, लेकिन इस कॉलोनी को 2 वार्डों में बांट दिया गया। एक हिस्सा वार्ड क्रमांक 17 में है तो दूसरा हिस्सा वार्ड क्रमांक 18 में। बावजूद इसके अंबेडकर कॉलोनी बदहाल है, न सड़कें हैं न नालियां। वार्डवासी गड्ढेदार सड़कों पर रहने को मजबूर है। नालियां गंदगी से भरी रहती है और सुअर दिन भर नालियों में पड़े रहते हैं। हालात यह है कि वार्डवासी परेशान हो गए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वार्डवासी जहां नाली से परेशान है, वहीं सड़कों की हालत यह है कि सड़कें गड्ढेदार है, बरसात में पानी भर जाता है और कीचड़ से परेशान रहते हैं। अंबेडकर कॉलोनी के रहवासियों ने कहा, हम परेशान हो गए हैं, न वार्ड पार्षद सुनते हैं और ना ही नगर पालिका के अधिकारी। फरियाद सुनाए तो किसे और जाए तो कहां। मेरा वार्ड मेरा शहर के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 18 के अंबेडकर कॉलोनी में। अंबेडकर कॉलोनी एक ऐसा वार्ड है जहां पर अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग रहते हैं और 6 सालों से यह वार्ड बदहाल की स्थिति में है। आप देख सकते हैं वार्ड में सड़क नहीं है, नालियों की समस्या है, हेडपम्प है लेकिन चलता नहीं है। इसके अलावा बिजली के बिल ऐसे आते हैं कि लोग भर भर कर परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ वार्ड की कुछ महिलाएं, आइए बात करते हैं उनसे। जी बताएं क्या क्या समस्या है आपके वार्ड की, बताइए बताइए क्या क्या समस्या है सर। वो क्या हुआ, आप बताइए क्या 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 समस्या है। के अंदर समस्या बहुत सारी है, देखने की वो आके देखे नगर पालिका की, कई बार हमारी शिकायत भी दर्ज कराई है कि भाई यहाँ पे एक तो सुअर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि बीच में गाय भी मर गई थी। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही रही है, सब दूर ये चल रहा है कि भाई गौशाला खोली जाए, गौ की रक्षा की जाए, लेकिन कहाँ हो रही रक्षा। गाय मर गई थी, उसके पेट में बच्चा था, उस बच्चों को सुअर खा गया यहाँ पर। अच्छा, सुअरों का आतंक भी है। आतंक भी है और उसके अलावा यहाँ कुत्ते देखिएगा आप, नगर पालिका ध्यान ही नहीं दे रही, कई बच्चों को बुजुर्गों को काट चुकी है, महिलाओं के ऊपर भोगते हैं। हम लोग कुछ ध्यान रख लेते हैं, भगा देते हैं, और नहीं तो यहाँ बड़ी जनहानि हो सकती है। और उसके अलावा यहाँ नाली वगैरह का देखो आलम क्या है, यहाँ जमाने भर की गंदगी है, रोड बन नहीं पा रहे हैं, यहाँ नल समय से चलती नहीं है। नल पहले सुबह चलते थे, आज 7-8 बजे, आज वो सुबह 4:45 बजे नल चला देता है। ये कोई तरीका है कि अभी कम से कम टाइम टेबल 4:45 बजे, मतलब जब लोग उठते नहीं है उससे पहले नल चले जाते, नल आकर चले जाते हैं। नहीं नहीं, ये क्या है कि ध्यान रखना चाहिए भाई। देखो यहाँ वार्ड के अंदर कम से कम ध्यान रखें, गरीबों को समय पे साफ सफाई हो जाए, समय पे पानी मिले इनको, और क्या चाहिए, सुअर चले जाए यहाँ से। तो ये अंबेडकर कॉलोनी कई सालों से यहाँ पर भाजपा के पार्षद रहे हैं और कई समस्या यहाँ पर है। आप बताइए क्या क्या समस्या है इस वार्ड में। खराब हुए साल भर लगभग होते आ रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारी समस्या किसी से भी बोलते हैं, हैंडपंप में पानी नहीं आता है, बिल्कुल बंद पड़ा है। सही करवाने को कितना ही टाइम बोल दिया, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। पार्षद से बोलते हम पार्षद ही नहीं है, किस पार्षद के पास जाके बोले। अच्छा, इसके अलावा ये जो पानी की स्थिति है, नल सुबह जल्दी आ जाते हैं। क्या क्या समस्या है, सुअरों की समस्या है, सुअरों की और नाली की। मेरा नाली की समस्या है, क्या साफ सफाई वगैरह नहीं होती है। बिल नहीं, आधी नहीं लगा रहा है सुबह 5 बजे, मैंने कितनी बार बोल दिया। अच्छा, बिजली के बिल, बिजली के बिल भी आते हैं, कितना बिल आया इस बार। अच्छा, बिजली बिल भी आता है। नालियाँ साफ होती कि नहीं होती है, कितने महीने हो गए, कोई आता है नहीं।
आप बताइए क्या समस्या है इस वार्ड में, आप बताइए। ये रोड की समस्या देखो ना, क्या हो रहा है, ये रोड पर खुदे हुए आज दो दो साल हो गए, इतने बच्चे गिर रहे बारिशों में, कितनी कीचड़ की समस्या हो रही है। रोड पहले कभी नहीं बना, कौन खोद खोद के पटक गए हमारे आगे पे, यहाँ पे सब निकली हुई है, पंछी नहीं है हमारे घरों के आगे, घरों के आगे फर्शी नहीं है। अंबेडकर कॉलोनी एक सबसे पुराना वार्ड है और पहले यह वार्ड एक वार्ड था, इसको दो हिस्सों में बांट दिया, उसके बाद यहाँ लगातार समस्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पिछले करीब 15 साल से बीजेपी का पार्षद रहा है, लेकिन बावजूद इसके समस्याओं की भरमार है। सी टी वी एल टेली कैमरा पर्सन अजय मस्तान के साथ राकेश। बहुत लेट चल जाती है, बच्चे सब दरोगा आता ही नहीं, आता है नहीं आता दरोगा, दरोगा भी जानने देता है, आता नाली साफ करके चला जाता है वो तो बस। हाँ, गाड़ी आती है वहाँ लेकर आओ कचरा, कभी नीम के नीचे लेकर आओ कचरा, यूँ बोलता है। अंदर गाड़ी नहीं आती है, अंदर नहीं आती। अच्छा अच्छा, दो दिन आए, दो एक दिन आ जाएगी, चार दिन नहीं आएगी गाड़ी, कभी पार्षद आएगी नहीं आए यहाँ पे, पार्षद कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, पार्षद। अच्छा, ये जो अपने जो दूसरी सहायता योजनाओं की जो योजनाएं चलती है उनका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता, राशन वगैरह कुछ? राशन मिल रहा है बस, खाली वो क्या मिल रहा है, उसके अलावा कुछ सुविधा नहीं, कोई दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बिजली के बिलों की क्या स्थिति, बिजली के बिलों की? हमने होल्ड पे रखा हुआ है अभी, बिजली का बिल कितना बिल आया आपका? 14,000 का आया था, 14,000 का। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो कह रहे अभी थोड़े दिन के लिए दिवाली तक माफ कराए, हम तो वापस भरवाएंगे, वापस भरवाएंगे। अच्छा, कितना बिल आ रहा है बिजली का? 3,000, 2,000, 5,000। इस महीने कितने का आया? 3,000 को आया अभी। क्या नाली वगैरह भी ऐसी हो रही है ना, इसके लिए मतलब होना चाहिए गड्ढे को, जो पानी गिर रहा है तो पूरा गड्ढा उठा हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये जो सड़क मतलब पेपर नहीं बनी कभी भाई, ये फर्सी लगी उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, फर्सी उपड़ गई। हाँ, उसके बाद निर्माण कुछ नहीं हुआ, निर्माण कुछ नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, और नालियों की क्या स्थिति है? नाली की स्थिति है, देखो सारा पानी है, गंदी वाड़ा हो रहा है, ये सब बिल्कुल सब पूरा गंदी वाड़ा था सारा हो रहा है। अम्बेडकर कॉलोनी में एक महिला स्नानागार है जो कि 4,65,000 रुपए की लागत से बना है, लेकिन हालात यह है कि जब से बना है तब से बंद पड़ा है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो महिलाओं को स्नान के लिए नदी पार कर जाना पड़ता है। अब यह स्नानागार जर्जर हो चुका है और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यह वार्ड पहले महिला वार्ड था, लेकिन महिला स्नानागार कभी ठीक नहीं हुआ। महिलाओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि हम परेशान हो गए हैं, जब महिलाओं के लिए स्नानागार नहीं खुला तो वार्ड का विकास क्या हुआ होगा। अंबेडकर कॉलोनी में महिला स्नानगार बनाया हुआ है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ महिलाएं स्नान करने आती हैं, लेकिन जब से यह बना है तब से आज तक नहीं खुला, जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। करीब 4,65,000 की लागत से यहाँ स्नानगार बना हुआ है, लेकिन स्थिति यह है कि स्नानगार आज तक नहीं खुला है और महिलाओं को स्नान करने के लिए नदी पार एक कुएं पर जाना पड़ता है और वहाँ पर खुला हुआ है पूरा। यह एक बड़ी विकट स्थिति हम बात करते हैं, आप बताइए क्या स्थिति है स्नानगार पे, कभी खुला कि नहीं खुला? नहीं खुला, कभी नहीं देखा, कभी नहीं हो रहा है, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो क्या क्या स्थिति है, कभी पार्षद ने ध्यान दिया यहाँ पे? नहीं दिया, नहीं दिया। अच्छा अच्छा, कितने कितने साल हो गए इसको बने हुए? सर, जब से ये स्नानगार बना है जब से चालू ही हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पार्षद और विधायक मोदी की जो विधायक मोदी की सफासा जो भ्रष्टाचार होता है उसमें ये भ्रष्टाचार ये निशानी है, मतलब ये पार्षद ने तो अपना कमीशन ले लिया, महिला पार्षद होने के कारण भी उसमें महिलाओं की समस्या होती है, जो खुले में नहाना धोना होता है, जो डेट होने पे जो महिलाएं आती है उस समस्या के अंदर भी वो ध्यान ना देते हुए अपनी निकम्मापन को जाहिर करा है। यहाँ पर महिला पार्षद है, लेकिन महिला स्नानगार की स्थिति बहुत बुरी है। दिनेश जी पवार साहब बता रहे हैं कि जब से बना है एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और आज तक उसका ताला नहीं खुला, तो अभी स्थिति क्या है इसके अंदर की? जर्जर स्थिति है और पूरा खंडर होने की स्थिति में आ गया, जर्जर स्थिति है। एक महिला पार्षद है और महिला पार्षद ने कभी इसको खुलवाया नहीं, आप लोग उसे समझते नहीं ना? नहीं सर, नहीं खोला, कभी खोला ही नहीं इन्होंने, एक बार भी खोला है तो देखा ही नहीं था वो ऐसा। हाँ, और बोलते भी है तो ध्यान नहीं देता, कोई खोलता भी नहीं, खोलता भी नहीं। तो यहाँ गवर्नमेंट का जो 4,00,000 रुपए है, 4,65,000 रुपए पानी में चला गया है और यहाँ जो महिला स्नान घर है ये आज तक उपयोग में नहीं आया। बड़ी विडम्बना यह है कि क्षेत्र की महिला पार्षद होने के बावजूद भी
महिलाओं के लिए स्नान घाट नहीं खुल पाया है। टीटीवी अलचर के लिए कैमरा पर्सन अजय मस्तान के साथ राकेश चौधरी। अम्बेडकर कॉलोनी पहुंचने के लिए 3 पुलिया है, 2 बड़ी पुलिया और 1 छोटी पुलिया। ये तीनों पुलिया बदहाल है। 2 बड़ी पुलिया हर साल बरसात में टूट जाती है, तो वहीं छोटी पुलिया तो बरसात में डूब जाती है। इन पुलियाओं के नीचे गंदगी भरी पड़ी रहती है। ये गंदे नाले इतनी बदबू मारते हैं कि लोगों का जीवन दुर्भर हो जाता है। हालात यह है कि मटन व्यवसायी मटन वेस्ट इन्हीं पुलियाओं के नीचे डालते हैं, जिससे गंदगी और बढ़ जाती है। इस गंदगी में सुअर ढेर जमा कर बैठे रहते हैं, जिससे अंबेडकर कॉलोनी रहवासी परेशान है। 18 अंबेडकर कॉलोनी के पास में यह गंदा नाला बहता है, जो कि आप देख सकते हैं कि भयंकर गंदगी है। इस नाले को संवारने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए कई मुहिमें चली, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। और जिस पुलिया पे मैं खड़ा हूँ, बच्चे हटो जरा, यह मात्र 8 फीट की पुलिया है, और इस 8 फीट की पुलिया पर आने जाने वालों को बड़ी तकलीफ होती है, और बरसात के समय यह पुलिया पूरी तरह से डूब जाती है। इस पुलिया के दोनों तरफ गंदगी का आलम है। इधर देखिए पूरी तरह से गंदगी, और इस गंदगी के ढेर के बीच में यहाँ मकान बने हुए हैं और लोगों को रहने पर विवश है। हम जानते हैं वार्ड वासियों की क्या समस्या है, क्या क्या स्थिति यहाँ पर, ये गंदगी रहती है, लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। अरे बहुत गंदगी है यहाँ पे, और ये सुअरों से ज़्यादा, सुअरों को बहुत आतंक है यहाँ पे, हजारों की तादाद में सुअर होगा यहाँ पे, सुअरों का आतंक है। नहीं तो ये जो गंदगी है, तो इस नाले की कभी सफाई नहीं होती है, कोई सफाई नहीं होती। और ये देखो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे देखो क्या चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे यहाँ पर गंदगी ही गंदगी के ढेर है। ये कभी नगर पालिका वाले आते हैं या सारा कचरा यहीं पे डाल देते हैं? यहीं डालते हैं, सब यहीं डालते हैं नाला के। और रात को लाइटें भी जलती है, अंधेरा रहता है, रात को अंधेरा लाइटें भी जलती है। और क्या समस्या है इसके अलावा? समस्या तो बहुत है यहाँ, रात को सूर्य बैठे आवारा गिरते हैं, सूर्य बैठे रहते रात को। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यह छोटी पुलिया है जो कि अंबेडकर कॉलोनी और मूलचंद मां को जोड़ती है, लेकिन यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। अंबेडकर कॉलोनी में पानी के लिए नल कनेक्शन तो है, लेकिन पानी समय पर नहीं आता। एक दिन छोड़कर तो कभी 3 दिन छोड़कर भीषण ठंड में सुबह 5 बजे पानी सप्लाई होता है, तब लोग उठ नहीं पाते, और जब सोकर उठते हैं तो पानी सप्लाई बंद हो जाता है। वार्ड में एक हैंडपंप है, वह भी बंद पड़ा हुआ है। हैंडपंप बंद होने से रहवासी परेशान है, और दोपहर में पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। यही नहीं, सीवर लाइन है लेकिन घरों से जोड़ी नहीं गई है, कचरा गाड़ियां आती नहीं है। ऐसे में गंदगी और कचरे से जहां लोग परेशान है, वहीं सुअर की समस्या विकराल है। कॉलोनी नीमच का एक बड़ा वार्ड है, 18 के अंतर्गत आता है, और इस वार्ड की आप गलियों को आपने देखा कि करीब 5 साल पार्षद रहने के बाद भी इस वार्ड में गलियां नहीं बनी है। लोगों में आंकड़ों से अभी हमने स्नानगार की समस्या देखी थी कि स्नानगार में भी आज तक नहीं खुला है, और महिलाएं स्नान के लिए दूर जाती हैं। हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, क्या समस्या है यहाँ पर आप बताइए। यहाँ 5 साल से वो पार्षद जी साहब आया भी नहीं है, गड्ढे बहुत हो रहे हैं, आए दिन परेशानी होती है, और हमने हमारा पैसा लगाकर ये गली सही करी है। ये मतलब आपने खुद ने पैसा लगाया? हाँ, पैसा लगाया हमने, तो ये क्या मतलब, ये पहले का गड्ढे थे, गड्ढे बहुत चलेगा, केम्बर छोड़ छोड़ के चलेगा, और ये सारा काम हमने कराया। तो ये मतलब नालियों की स्थिति है, नालियां तो जाम है, आप चेंबर खोद कर बंद कर रहे हो। अभी जो ना सिविल लाइन का काम चला, तो वो नालियां नहीं जुड़ी होती है? नहीं जुड़ी, नहीं जब तक लड़के नहीं आए। और पार्षद से कहते हैं ना, तो हमने तो छोड़ दी नौकरी, छोड़ दी हमने तो काम धंधा, छोड़ दिया हमने तुम्हारा गली का। अच्छा, बिजली के बिलों की क्या स्थिति है? अरे बहुत बिल आ रहा है, 5,000 रुपए महीने के आ रहे हैं, कहाँ से देंगे दो दो कमरों के? 5,000 रुपए महीने? हाँ बिल्कुल, बिल है हमारे पास में जी। जी आप बताइए क्या 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 समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में मतलब रोड बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, और मतलब ये गंडूरी आती है, घरों में घुस जाती है, आंगनों में चढ़ जाती है। हाँ, हमारे को सबसे पहले रोड और नाली बनना चाहिए। रोड और नाली क्या क्या है गंदगी समस्या क्या है? नाली 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 नालियाँ कच्ची हैं? नाली पक्की बनी है पर कच्ची जैसी है, और रोड इतने खतरनाक हो रहे हैं कि बरसात में हमको निकलना मुश्किल है, और अभी भी हालत खराब है।
कैसे निकले और बहुत मिट्टी हो रही है। मैंने मेरे हाथों से पत्थर जमाए अभी दिवाली पे, उस कचरे वाली गाड़ी कहते हैं कि बोले ये पत्थर हटाओ नहीं तो मैं 500 रुपए लूंगा आपका टायर फट जाएगा। तो कचरे वाली गाड़ी नहीं आती है, ऐसे गाड़ी आती नहीं, वहीं खड़ी जाती है। तुम्हारा गली कच्ची है, मैं नहीं आ रहा तो टायर फट जाते हैं। गली कच्ची है, हां। और दूसरी बात ये है कि हमारे घर में शादी थी तो हमने ये 2000 रुपए लगा के हमारे हमने सही करा, मजदूर लगा के कर रहे हैं। और आज हमने काम वाला सड़कों को भी बदहाल स्थिति है, बिल्कुल खराब हो रही है। हां आप बताइए क्या क्या स्थिति उधर की। अरे अपने इधर भी सब पूरी सड़क खराब हो रही है। पहले पहले भर्ती